नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, पद संभालते ही चुनौती का सामना, अमित शाह और निर्मला सीतारमण के लिए आई है बुरी खबर। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में अमित शाह को गृह मंत्री और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय का पदभार ले लिया है, लेकिन अमित शाह औपचारिक तौर पर गृह मंत्री पद संभालेंगे। इसी बीच मोदी सरकार के इन दोनों मंत्रियों के लिए बुरी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर के बारे में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर नए गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, तो उन्हें गृह मंत्रालय दिए जाने का ऐलान हो चुका है। और गृह मंत्रालय का उन्हें दिए जाने के ऐलान के बाद ही उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबरें सामने आने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में शुक्रवार को आतंकी हमला हुआ था। यह सीआरपीएफ की 180 बटालियन के कैंप के पास आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए। शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर के किशनवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भी शुक्रवार को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ देखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने वाले निर्मला सीतारमण के सामने भी पहले ही दिन कई चुनौतियां सामने आ गई हैं। आज जीडीपी विकास दर और बेरोजगारी दर के आंकड़े सामने आए हैं। दोनों ही आंकड़े निराशाजनक रहे हैं। वित्त वर्ष 2018 और 19 की चौथी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की संवर्धित दर पिछले साल के समान अवधि से घटकर 5.8% रह गई है। वित्त वर्ष 2017 और 18 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.7% रह गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जरिए शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 और 19 में देश की जीडीपी संवर्धित दर 6.8% रही थी, जो कि जीडीपी विकास दर का पिछले 5 सालों का सबसे निचला स्तर था। वहीं पीएलएफएस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़ी और यह बढ़कर 6.1% हो गई है। हालांकि अब आने वाले दिनों में दोनों मंत्री अपने क्षेत्र की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, इस पर देशवासियों की नजरें बनी रहेंगी। इसी के साथ ही अमित शाह पर और भी कई जिम्मेदारियां होंगी। जी हां दोस्तों, अमित शाह के जिम्मे अब धारा 370, 35A और NRC जैसे बड़े काम है। यह प्रमुख चुनौतियां होंगी। गृह मंत्री के लिए सबसे पहली चुनौती तो कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रहेगी। इसके अलावा धारा 370 और 35A और NRC जैसे मामलों से निपटने की चुनौती अब अमित शाह के जिम्मे हो गई है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद से लेकर देश के अंदर नक्सलवाद तक नए गृह मंत्री अमित शाह के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली चुनौती तो कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की है। पिछले वर्षों में कश्मीर के चुनाव में खूब हिंसा देखी गई थी। इसके अलावा धारा 370, 35A और NRC जैसे मामलों से निपटने की चुनौती अब अमित शाह के जिम्मे हो गई है। कश्मीर में पिछले साल नवंबर में विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसके बाद से चुनाव आयोग के चुनाव करवाने के लिए गृह मंत्रालय के संकेत का इंतजार कर रहा है। सुरक्षा कारणों की जैसे ही वहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी नहीं हो पाए थे। वहीं खबर की माने तो गृह मंत्रालय वहां अमरनाथ यात्रा के बाद यानी कि अगस्त के बाद चुनाव करवाना चाहता है, लेकिन आमतौर पर जम्मू कश्मीर में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हिंसा बढ़ जाती है। कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और अनुच्छेद 35A को निरस्त करना बीजेपी का एजेंडा रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों में इसे लेकर काफी विरोध है। अब शाह के सामने इन लंबित मामलों के निपटने की चुनौती काफी ज्यादा रहेगी। वहीं दोस्तों, बीजेपी के दो ही नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, एक तो मोदी की और एक अमित शाह की। दोनों ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बीजेपी पार्टी को इतना आगे ले जाने में इन दोनों नेताओं की काफी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, मोदी और अमित शाह में से आपको कौन सा सबसे अच्छा नेता लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।